हाय फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल की एक असाइनमेंट की बात करते हैं। ये मेरे पास कुछ डाटा है 500 के करीब लोगों का और ये सबकी डेट ऑफ बर्थ है। अब जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट कैलेंडर बनाना है। रिटायरमेंट कैलेंडर का मतलब ये है, पहले एक कंपनी की एक बार हम देखते हैं रिटायरमेंट की पॉलिसी क्या है। पर्सन विल बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, यानी ये जो पर्सन है फर्स्ट, इनका आईडी है हमारे पास, ये जब 60 ईयर्स के होंगे तब रिटायर होंगे, यानी रफली 2017 में रिटायर हो चुके होंगे। ओके, सेकंड वो एट द एंड ऑफ मंथ होंगे, जैसे अगर कोई 17th है या कोई 7 को है या 1 को है तो वो उस मंथ की लास्ट डेट को रिटायर होंगे। तो 1 मार्च को नहीं रिटायर होंगे या 15 मार्च को नहीं होंगे, तो वो जब भी मंथ एंड होगा उस पर रिटायर होंगे। लेकिन वो डेट संडे नहीं होना चाहिए, अगर संडे है तो एक दिन पहले रिटायर होंगे। तो अब एचआर डिपार्टमेंट को बनाना है एक कैलेंडर के जनवरी 2016-17 आगे तक का, किस साल में किस मंथ में कितने लोग रिटायर होंगे, ताकि अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट कर सकें, प्लानिंग कर सकें। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी एक साथ। एक्चुअली क्या रहता है, जब जो मैंने ये वीडियो बनाए हैं, वीडियो में एक जगह पे एक ही फंक्शन है, यानी डेट एंड टाइम, टेक्स्ट में टेक्स्ट के फंक्शन है, काउंट में फंक्शन है। पर जब आपके पास इस तरह की कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम आती है तब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आइए इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहली चीज़ डेट में, यहाँ फॉर्मेट पे ध्यान दिया करें। अगर इस फॉर्मेट को आप जनरल करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, तो आपको एक तो इसको शॉर्ट डेट कर लेना है। सेकेंडली, इसमें हमारे पास तीन फंक्शन हैं, डे, मंथ, ईयर, जिसमें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर मुझे एक प्रॉब्लम ये आने वाली है, मैं बार बार लिखूंगा डे और ये लिख के फिर इसको ड्रैग करूंगा, राइट। अब जैसे ये डे है तो इसको ऑब्वियसली जनरल कर लेते हैं, 17th डे, ऐसे डबल क्लिक करें। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ कंट्रोल टी, मैं टेबल के अंदर हूँ, कंट्रोल टी, ये मेरी पूरी कन्वर्ट हो गई टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। अब टेबल फॉर्मेट में क्या होता है, जब भी मैं इसके बगल में कुछ भी काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आ जाएगा और एक पे मैं कुछ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली पूरी टेबल में सब रोज के लिए हो जाएगा। जैसे मैं तीन चार चीज़ यहाँ लिखता हूँ, डे, मंथ, ईयर। सो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन डे, इसमें से डे को उठाओ, आ गया जी, ठीक है। इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर दो और इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर दो, डेट में से। ये वन आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। अब ये पर्सन रिटायर कब होगा, जब ये 60 साल का हो जाएगा, यानी 2017 में, 18 में, ऐसे ऐसे होंगे, इनकी रिटायरमेंट तो आ गई है। अब इनको मिला के एक अगर हम डेट बनाएं, तो मैं इसको डी ओ आर लिख लेता हूँ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये कब होगी इनकी। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो सिंपल ये कर सकते हैं डेट, ईयर, डेट के तीन आर्ग्यूमेंट है, ईयर कॉमा मंथ कॉमा दिस, यानी ये इस डेट को रिटायर होंगे, राइट। लेकिन अब दूसरा, इस डेट को रिटायर नहीं होंगे, इस डेट पे तो 60 साल के होंगे, तो मैं कुछ और कॉलम भी इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको तो 60 साल के होंगे तो रिटायर कब होंगे, तो हम इसको करते हैं एंड, यानी तो फिर ये तो डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं हुआ, ये तो इनका बर्थडे हो गया, तो यहाँ पे बर्थ डे 60, ठीक है। अब हम देखते हैं ये रिटायर कब होंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारी निकलेगी जब ये इस मंथ एंड पे होंगे। वैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट तो नहीं होगा, मंथ एंड होगा ये भी, क्योंकि अगर संडे होगा तो एक दिन पहले कर देंगे इनको रिटायर हम, मंथ एंड, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, इसका एंड ऑफ मंथ कब आएगा, क्योंकि ई ओ मंथ में क्या रहेगा हमारा, अच्छा कितने दिन के बाद, जीरो, उसके बाद जीरो मंथ के बाद जो भी मंथ आए उसमें कितने लास्ट डेट कौन सी होगी, उसको ये डेट देगा। ओके, 43,000 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट डेट में। ये हमारे पास लास्ट डेट आ गई। अभी हम दो पे पहुंच गए, हमने इनका बर्थडे निकाला, यानी डे, मंथ, ईयर डिसमेंटल कर दिया, उसमें ईयर में 60 साल जोड़ के हमने कैसे किया, इसको इकट्ठा कर दिया, डेट इकट्ठी बना दी, ये इनके 60 साल के जब होंगे उस डेट है, उस मंथ में ये लास्ट डेट होगी। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है वीकडे, क्योंकि संडे को नहीं हो सकते, तो यहाँ मैं फंक्शन यूज करता हूँ इज इक्वल टू वीकडे, इसका एंड टू, टू का मतलब है एक को मंडे माना जाएगा।
अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो संडे का मतलब एक होगा, मैंने टू किया यानी मंडे का मतलब। अब देखिए टू का मतलब है वन, अगर आता है दैट विल बी कंसिडर्ड लाइक टू है ना, ये ट्यूसडे है, ये हमारा ट्यूसडे है, सिक्स इज सैटरडे, सेवन इज संडे। जैसे ये पर्सन सेवन को रिटायर नहीं हो सकते, तो एक काम कर लेते हैं, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं, क्या यूज करें, इज इक्वल टू सेवन। इन लोगों के लिए हमें दोबारा देखना पड़ेगा कि ये एक दिन पहले रिटायर होंगे, तो अब हम निकालते हैं अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट, और वो क्या होगी, इफ फंक्शन लगाते हैं, इफ दिस नंबर इज इक्वल टू सेवन, तब तो इस डेट में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, डेज में आप डायरेक्टली ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना फिर यही डेट रहेगी। तो ये हमारी आ गई फाइनली डेट ऑफ रिटायरमेंट, शॉर्ट डेट। ठीक है, इतने स्टेप्स लगे हमें, डे मंथ ईयर, इससे हमने बर्थडे बनाया, फिर हमने देखा कि लास्ट डेट कब आएगी, फिर देखा उस दिन क्या वीकडे पड़ेगा, और वहाँ पे हमने इसको कर दिया, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई। अब मुझे इस कैलेंडर को अपडेट करना है, तो इस कैलेंडर को कैसे अपडेट करें, हम करते हैं पिवोट टेबल, और टेबल वन, यस, नई शीट पे चलें, हाँ नई पे चल सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इसको उठा के आप डाल दीजिए रोज में, ठीक है, ईयर आ गई। अब 2016 वर्जन में बिना कुछ कहे जैसे ही आप डेट को डालते हैं, ये आपके क्वार्टर मंथ सब तोड़ देता है, ठीक है, तो क्वार्टर तो हमें चाहिए नहीं, इसको तो छोड़ दीजिए, और डी ओ आर को मैं यहाँ डालता हूँ, ओके, फॉर्मेट ऐसे नहीं चाहिए था मुझे, ये यहाँ पे और ये यहाँ चाहिए था, ये फॉर्मेट चाहिए था, और किसी भी एक चीज़ को आई डी को उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट काउंट बनता है, तो ये हमारा आ गया है काउंट, यानी टोटल 500 में से किस डेट पे कितने लोग रिटायर होंगे। तो 2018 में ये 14 लोग होंगे, फिर 19 होंगे, फिर 7 होंगे, एंड सो ऑन, किस डेट पे कौन कौन रिटायर होगा, ये हमारे पास आ गया है। और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं फिल्टर, जैसे 2017 है, इसमें इसको हम रिमेंबर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं इस पे। ये 2016 के थे जो रिटायर हुए, ये 2017 के हैं, मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं कि पहले ईयर पे, फिर मंथ पे, फिर डे पे, वो हमारे पास आ जाएगा कि कौन कौन सा पर्सन किस डेट को रिटायर होगा। तो इसमें हमने कितनी चीज़ें यूज़ की, मैं वापस आ जाऊँ इसमें, जो इसके बेस पे इसको सॉर्टिंग कर देते हैं, कितनी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की। सबसे पहले तो मैंने डे मंथ नहीं, सबसे पहले तो टेबल यूज़ किया, टेबल के बाद डे मंथ ईयर यूज़ किया डिसमेंटल करने के लिए, और इकट्ठा बनाने के लिए डेट फंक्शन यूज़ किया, लास्ट डेट पे आने के लिए ई ओ मंथ यूज़ किया, उसमें से वीक डे निकालने के लिए वीक डे यूज़ किया विद सेकंड आर्गुमेंट एज टू, उसमें ये चेक करने के लिए संडे तो नहीं है इफ फंक्शन यूज़ किया, और बाद में ये जो डेट आ गई इस पे हमने पिवोट टेबल यूज़ किया। तो ये हमारी असाइनमेंट पूरी हुई। एक छोटी सी बात मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी डेट है तो उस डेट पे अगर आप डायरेक्टली कुछ ऐड करते हैं तो याद रखिए हमेशा वो डेट में ऐड होता है, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है मंथ में तो फंक्शन है ई डेट, इसके दो मंथ बाद, तो चेक करें 17-10 है ना, 17-12 हो गया, तो सिंपली प्लस वन प्लस टू करेंगे तो हमारा डेट में ऐड होता है, ई डेट करेंगे तो मंथ में ऐड होता है, और एक्सट्रैक्ट करके फिर आप ईयर के अंदर कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डेट से कंबाइन कर सकते हैं, और ई ओ मंथ से एंड ऑफ मंथ आ जाता है। सो दिस वर फ्यू थिंग्स, तो ये हमारी असाइनमेंट कंक्लूड हुई। तो आई विल एडवाइस यू, एक बार आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो है डेट एंड टाइम का, पर इसमें ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। होता क्या है, जब आप एक असाइनमेंट पे काम करते हैं तब उसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ की असाइनमेंट है, उसमें सब कुछ शामिल होता है। सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, थैंक यू।